मॉर्निंग क्लास एट, दिस टाइम आई विल टेक योर टॉपिक दैट इज सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस द सेम टॉपिक बट इट वॉज अ बिट ऑफ एलिमेंट्री आइडिया एंड दिस टाइम आई विल टेक योर कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो वी हैड रेड अबाउट दीज पेजेस एंड नाउ आई विल स्टार्ट दिस। सो जब भी हम कोई चीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, हमें दो बातों को जानना ज़रूरी है कि एक क्लॉज क्या होती है। ठीक है, क्लॉज मैंने कल भी डिस्कस की थी, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। सो क्लॉज क्या होती है कि क्लॉज एक वो पोर्शन है सेंटेंस का जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। ठीक है, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, या जिसमें एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, उस वर्ब को आप बोलते हो फाइनाइट वर्ब, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, फाइनाइट वर्ब मैंने आपको कल भी बताई थी। अब क्लॉज मैंने आपको बता दिया, ये सेंटेंस का वो पोर्शन है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, जो क्लॉज है। इट डज नॉट नेसेसरी डिस्क्राइब अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लॉज ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट सेंटेंस को बताएगी, लेकिन सिंपल सेंटेंस जो हैं वो इतना मैं कह सकता हूँ कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बने होते हैं। ठीक है, और वो अकेले ही वहाँ पर रह के अपना पूरा मीनिंग शो कर सकते हैं। जैसे एरिन लव्स हर ब्रदर, यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एक क्लॉज है, बट ये क्लॉज का खुद में कंप्लीट मीनिंग है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रही है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। द डॉग रैन ऑफ, द डॉग रैन ऑफ, ये भी जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसका कंप्लीट मीनिंग है। आई एम टॉल, इसका भी कंप्लीट मीनिंग है। फिर हम फर्दर आगे अगर पढ़ेंगे तो हम एक चीज़ जानेंगे कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और वो स्टैंड करते हैं अलोन। उसको आप क्या बोल देते हो कि वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कंप्लीट सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिसका खुद में ही कंप्लीट मीनिंग होता है। लेकिन फिर बात करते हैं, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज आ जाती है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, लेकिन इनमें नाउन और वर्ब ज़रूर होता है। ठीक है, इनमें नाउन और वर्ब ज़रूर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे व्हेन आई कम होम, होम क्या हो गया नाउन, और कम क्या हो गया वर्ब। इसमें नाउन और वर्ब ज़रूर है, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। व्हेन आई कम होम, कब मैं घर पे आया मुझे क्या पता। इसीलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड करेगी इनडिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है, इफ़ यू सेल द मोस्ट कुकीज़, कुकीज़ यहाँ पे नाउन है और सेल क्या है वर्ब। सो ये भी क्या है, ये भी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज शी इज़ सो स्मार्ट, यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो इज़ है, और स्मार्ट है वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव आ रहा है, तो आप कह सकते हो इनमें अपना नाउन और अपना वर्ब और अपना एडजेक्टिव होता है, पर ये फिर भी कंप्लीट नहीं होते हैं, इनको किसी ना किसी सेंटेंस की ज़रूरत होती है। और एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर कि ये जितने भी सेंटेंस हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस से स्टार्ट हो रहे हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए व्हेन, व्हेन आ गया जो रिलेशन शो करते हैं सेंटेंस के बीच में, व्हेन, वेयर, व्हाट, बिकॉज, इफ, वेदर, ये सब। ठीक है, सो ये वो वर्ड है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है, द अदर काइंड ऑफ क्लॉज इज डिपेंडेंट, अच्छा ये आपको बताया है कि ये वो वर्ड होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये अकेला कभी नहीं रह सकता। अब आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देख लो, वैन जो है ये भी रिलेटिव क्लॉज है, और बिकॉज जो है ये भी रिलेटिव क्लॉज है, दैट भी रिलेटिव क्लॉज होती है, दैट, वॉट, हाउ, वैन, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये रिलेशन शो करते हैं दो सेंटेंस के बीच में, और ये वहीं पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पर क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो अकेले खुद को शो ही नहीं कर पाती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको एग्जांपल दे दी, व्हेन आई कम होम, व्हेन आई कम होम का मीनिंग कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक मैं इसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो वही था कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अब धीरे धीरे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, हमने कंपाउंड सेंटेंस।
कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किससे बनते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से, ठीक है। जैसे एरिन लव्स हर ब्रदर, एरिन अपने ब्रदर से प्यार करती है, तो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा ही लव्स हर टू, ठीक है, तो ही लव्स हर टू ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। अब एक और चीज़ आप देखोगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी है, एंड बट येट, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बीच में हमने कॉमा भी लगाया, ठीक है, हमने यहाँ पर कॉमा भी लगाया। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बीच में चाहिए होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन सी होती हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट, सो ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जब भी ज्वाइन करते हैं उनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहाँ आती हैं, जैसे फॉर आ गया, एंड नॉर बट येट ये आ गया। और एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि इनके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बीच में पीछे एक कॉमा में लगा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो हम आगे बात करते हैं, वैन यू राइट अ कंपाउंड सेंटेंस यू नीड टू यूज़ अ कॉमा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस लगाते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के पीछे कॉमा लगता है। और एक और बात है कि ये दो सेंटेंसेस जो हैं वो खुद में कंप्लीट हैं, और जो खुद में कंप्लीट होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोलते हैं। और जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन होती हैं उसको आप बोलते हो कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जब एक डिपेंडेंट क्लॉज को हम ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो क्या करती हैं, उसका खुद में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, उसको दूसरी सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है जुड़ने के लिए, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। अब आपको यहाँ पर बताया है डिपेंडेंट क्लॉज तो मैंने आपको बता दी, इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बता दी जो क्या होती हैं, खुद में ही कंप्लीट होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या करती हैं, या तो बिगिनिंग में आएगी या एंड में आती है। जैसे व्हेन आई कम होम आई विल ईट डिनर, व्हेन आई कम होम जब मैं घर पे आऊँगा तो क्या करूँगा, तो ये कौन सी होगी, डिपेंडेंट क्लॉज। और आई विल ईट डिनर ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ़ यू सेल द मोस्ट कुकीज यू विल विन द प्राइज, यहाँ पर इफ़ यू सेल द मोस्ट कुकीज है तो ये इफ़ यू सेल द मोस्ट कुकीज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल विन द प्राइज, जिसके नाम में ही डिपेंडेंट है मतलब वो उस दूसरे पे डिपेंड करेगी, यू विल विन द प्राइज, तो यू विल विन द प्राइज यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द कॉलेज गेव हर अ स्कॉलरशिप, कॉलेज उसको स्कॉलरशिप देगा बिकॉज शी इज़ सो स्मार्ट। अब यहाँ पर जो कॉलेज गेव हर स्कॉलरशिप है ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, लेकिन बिकॉज शी इज़ सो स्मार्ट जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला है जब भी आप डिपेंडेंट क्लॉज को बिगिनिंग में लगाते हो सो आपने उस वक्त कॉमा लगाना पड़ता है, और जब डिपेंडेंट क्लॉज एंड पे लगती है वहाँ पर कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। उसको भी हम नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो आपने जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में लगाई है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में लगाई है तो कॉमा यहाँ पर लग रहा है, इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में लगाई है तो कॉमा यहाँ पर लग रहा है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी डिपेंडेंट क्लॉज आपने स्टार्ट में लगाई है तो कॉमा यहाँ लग रहा है, इधर भी डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में लगाई है तो कॉमा यहाँ लग रहा है, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज एंड में है तो कॉमा उसमें नहीं लग रहा। आप थर्ड सेंटेंस में नोटिस कर सकते हो, देख लीजिए, ठीक है। सो ये था मेरा कहने का मतलब कि ये रूल्स थे। अब हम फर्दर जो लास्ट की डिटेल्स बची हुई हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपका टॉपिक आज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको यही है कि जैसे नाम से आपको पता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ब्रिंग्स बोथ ऑफ दी सेंटेंस फॉर्म टुगेदर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों फॉर्म्स को एक साथ भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो वो ऑब्वियसली कंपाउंड बन जाएगा, और एक डिपेंडेंट भी होगी तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है सेंटेंसेस आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों होते हैं, जैसे एरिन लव्स हर ब्रदर एंड ही लव्स हर टू, ठीक है, एरिन लव्स हर ब्रदर एंड ही लव्स हर टू,
ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यूज़ हो रहा है एंड, और एंड के पीछे कॉमा भी लगा हुआ है, और दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हैं? कंप्लीट मीनिंग के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ बिकॉज भी लगा है, और बिकॉज शी पेज हिज बिल्स जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक निशानी है, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम फर्दर देखेंगे, द डॉग रन ऑफ वेयर व्हेन आई चेज हिम बट आई डिडंट केयर। तो यहाँ पे है द डॉग रन ऑफ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट आई डिडंट केयर, बट आई डिडंट केयर क्या है? ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन व्हेन आई चेज हिम ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दो माई मदर सेज इट डजेंट मैटर आई एम टॉल एंड शी इज शॉर्ट। दो माई मदर सेज जो है यहाँ पर ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। इट डजेंट मैटर आई एम टॉल एंड शी स्मार्ट। आई एम टॉल शी स्मार्ट ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है? ये कंपाउंड सेंटेंस है, आई एम टॉल एंड शी स्मार्ट। तो इस तरह से डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बिगिनिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, और एंड में भी हो सकती है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है, सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पंक्चुएशन रूल्स में फॉलो होनी चाहिए, ठीक है? जैसे आपको यू नीड टू पुट अ कॉमा बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पीछे कॉमा लगाना ही लगाना है, वो आपने हर जगह लगाया है, एंड के पीछे कॉमा है, बट के पीछे कॉमा है, ठीक है? सो कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे आपको कुछ और मतलब थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हेन आई वेंट टू द स्टोर माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू पिक सम मिल्क बट आई डिडेंट हैव इनफ मनी। व्हेन आई वेंट टू द स्टोर ये ऑब्वियसली ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो ये आपको पता चल गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये ज़रूर है। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू पिक सम मिल्क, माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू पिक सम मिल्क जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट आई डिडेंट हैव इनफ मनी ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होते जा रहे हैं। इवन द चाइल्ड इज हंग्री, इवन द चाइल्ड इज हंग्री, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ही विल नेवर ईट ओट मिल। यहाँ पर इवन इफ द चाइल्ड इज हंग्री जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, बाकी सब इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। द मैन वॉज मीन बिकॉज ही वॉज लोनली बट हिज एटीट्यूड ओनली मेड हिज वर्स सिचुएशन वर्स। तो मैन वॉज मीन, मैन क्या था? मीन था, बिकॉज ही वॉज लोनली। और यहाँ पे बिकॉज का सेंटेंस जो आ गया वो आपको बता दिया इसने कि ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, और मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो बट था उसके पीछे कॉमा भी लगाया है। द डॉग नीडेड अ न्यू लीश एंड, एंड के पीछे मैंने कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है? सो इससे एक चीज़ पता चल जाती है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें। और आई गेस यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक, आई होप आपको ये अच्छे समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, एंड डू वॉच बोथ द वीडियोज प्रॉपरली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक्स एंड